माता होता आधा भोला। अरे हदा, तुम जानते हो हमारे बगल में एक नया दोस्त आया है। अरे सुने हैं कि उसके पॉकेट में बहुत पैसा रहता है। अरे यार, हम लोग का पड़ोसी आया है। अरे कौन है, थोड़ा बता तो हमें। अरे हैडा, उसका नाम है रामू। मैं अभी जा रहा हूँ उसी से मिलने के लिए। भोदू भैया, एक काम करना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा उससे मिलने के लिए। अरे ना ना, तुम एकदम नहीं जाएगा। तुम जाएगा वहाँ पे सारा काम प्लानिंग फेल हो जाएगा। अरे तू काम अच्छा नहीं किया है भोदू भाई। अरे हैडा, उससे पहले मैं दोस्ती कर लेता हूँ, उसके बाद तुम उससे दोस्ती कर लेना। अरे रामू, तुम? अरे तुम इधर कहाँ जा रहे हो? अरे यार, तुमको तो पहले कभी देखा नहीं, पहचान नहीं, कौन हो? अरे मेरा नाम है भोदू। अरे तुम हमारा पड़ोसी हो, तुमसे दोस्ती करने के लिए आया हूँ। अच्छा भोदू, तो तुम आज से मेरा दोस्त हुए क्या? ठीक है ना? मैं हूँ हादा, भोदू का दोस्त। आज से मैं भी तुम्हारा दोस्त हुए। अरे ये तो तुम्हारा तरीका सही नहीं था। अरे ऐसा बात है क्या? पहले तो हाथ तो मिलाओ दोस्त। अरे बाप रे, मैं मर गया रे। अरे बाप रे, अरे माँ, अरे बाप रे, अरे माँ। सॉरी बॉस, हमसे पंगा लेने से यही होता है। ये सब तुम्हारा गलती है। अरे भोदू भाई, चलो हम तुम्हारा मोहल्ला देख कर आते हैं। अरे तुम कराटे भी जानते हो क्या? अरे रामू, ये तो बहुत बड़ा बात है। अरे यार, कराटे मेरे पापा को ब्लैक बेल्ट मिला है। अरे बाबा, वो रामू कैसे कराटा जानता है? अरे हादा को एक बार में ही गिरा दिया। अरे रामू से मैं दोस्ती कर उससे हम भी कराटा सीख लेंगे और हम भी जहाँ तहाँ लड़ेंगे, और उसके बाद मैं हैडा को दिखाऊंगा अपने कराटा का कमाल और वो देखेगा। अरे रामू, हमको तुम कुछ कराटा सिखाओगे क्या? हाँ, हम भी सीखना चाहते हैं कराटा। अच्छा ठीक है, तुम्हें सिखा देंगे, लेकिन तुम क्या करोगे सीख के? अरे हैडा हमको सारा दिन परेशान करके रख देता है। अगर मैं कराटा जानता तो मैं उसको सबक सिखा सकता हूँ हैडा को। अरे रामू, अब तुम्हें कष्ट करके कराटा नहीं सिखाना पड़ेगा भोदू को। मैं कराटा वही सिखाऊंगा जो मैं जानता हूँ तुम दोनों को। हैडा, जिस तरह तुम हम दोनों के पीछे पड़ा है, तुमको सबक सिखाएंगे हम। तुम अपने आप को बहुत चलाक समझते हो, तुम्हारा चलाकी नहीं चलेगा। अभी तुम बैठे बैठे रोते रहो और मैं देखते रहूंगा। अब मैं चलता हूँ। अरे रामू, क्या किया जाए, हैडा तो हम दोनों को दो दो बार गिरा दिया है। ए भोदू, इधर आओ ना, देखते हैं हैडा क्या करता है हम दोनों को। अरे तुम ठीक बोला है रामू, तुम जो बोला है वही सब होगा। ए हैडा, हम दोनों को कराटा सिखाएगा रामू, बुलाया है हम दोनों को। अरे तुमको बोला है दोपहर के 2 बजे करीब में तुम पार्क के पास रहना। अरे वाह, सचमुच सिखाएगा? अरे हाँ, सचमुच बोला हूँ, देर मत किया करो। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक पहुँच जाऊँगा टाइम से। रामू, मैं आ गया, मैं तैयार हूँ रामू। भोदू नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ गया है? अरे ठीक किया है हैडा, तुम्हारा जैसा शिष्य मुझे बहुत पसंद है। अरे हाँ गुरु, मैं सबसे पहले सीखकर आप ही के ऊपर बार करूँगा कराटा का, समझे? ओ ये बात है। भोदू एक्शन। मुझे नहीं चाहता रे रामू, रामू ठीक नहीं हो रहा है। भोदू 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 ठीक नहीं हो रहा है, भोदू मुझे नहीं चाहता रहा, भोदू भोदू रामू रामू भोदू नहीं चाहता। अरे रामू, रस्सी को बढ़िया से पेड़ में बांध कर रखना। ठीक है। अरे मुझे नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, मैं तुम लोगों दोनों को देख लूंगा। भोदू भोदू नहीं चाहता रहा मुझे। ए रामू रामू मुझे नहीं चाहता, देखो ठीक नहीं कर रहे हो तुम लोग। मेरा पैर छोड़ो, मेरा पैर छोड़ो। मेरा पैर छोड़ो, नहीं नहीं छोड़ूंगा, बोला तो मैं तुम्हारा आता हूं, तुम दोनों को देख लूंगा। भोदू भोदू नहीं चाहता रहा मुझे। ए रामू रामू मुझे नहीं चाहता रहा।
देखो ठीक से कर रहे हो तुम लोग, मेरा पैर छोड़ो, मेरा पैर छोड़ो, नहीं छोड़ेंगे हम तुम लोग, मेरा पैर छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा पांव छोड़ेंगे, क्या समझते हो अपने आप को, देख लूंगा वो तो बोलते हो कर मुझे, नहीं राम नाम मुझे नीचे उतारो ना। बहुत सदियों पहले समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव वालों का काम था मछली पकड़ना और मछलियों को पकड़ के बाजार में बेचते थे। जिस दिन मछली ज्यादा पकड़ाता था उस दिन घर में ज्यादा पैसे आते थे, और जिस दिन एक भी मछली नहीं पकड़ाता था तो उस दिन मछुआरों का हाल बिगड़ जाता था। क्या हाल है? क्या बताओ चाचा, एक भी मछली नहीं फंसी है, एक भी। अरे शाम तुम हो क्या? हाँ चाचा मैं हूँ। मछली पकड़े हो? हाँ चाचा पकड़ा हूँ, बाजार में बेच के दो बग का खाना हो जाएगा। हाँ वो तो हो ही जाएगा, हमका तो किराया नहीं देना है, बाल बच्चे भी नहीं है, तुम और तुम्हारे पत्नी है और क्या है, तुम दोनों का चल जाएगा। ये तो सच बात है महाराज, दो ही तो लोग है, दो चार मछली पकड़ने से भी उन दोनों का दो वक्त का खाना चल जाएगा। वो तो समझता है लेकिन उसकी पत्नी नहीं समझती है। इससे क्या होगा बताइए, आज दो वक्त का खाना खाएंगे कल क्या करेंगे? क्या हुआ, आज फिर मछली पकड़ने जाऊंगा, बाजार में बेच के कल का बंदोबस्त हो जाएगा। दो वक्त के खाने से ही सिर्फ होता है, कब से मैं बोल रही हूँ कि घर का मरम्मत करवाओ, लेकिन किसे सुनाई देता है, सुनाई तो नहीं देता है तुम्हें। होगा होगा सब ठीक होगा, ज्यादा लालच करना ठीक नहीं है, पिताजी कह के गए हैं, बेटा गिनती करके 5 बार जाल फेंकना, जो भी मछली फंसे उसी को खुशी से रख लेना, जिंदगी में खुश रहोगे। बहुत खुश रखे हो, कितना खुश रखे हो ये मुझे पता है, सुनो मेरी बात, तुम 5 बार फेंको या 50 बार फेंको, कल सुबह सुबह मुझे पैसे चाहिए ही चाहिए। ओह बहुत देर हो गई, अब ऊपर खींचता हूँ, लग रहा है बहुत मछली फंसा है। आ, 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 आ। ये क्या, ये तो लकड़ी है, मछली कहाँ है, अभी और 4 बार तो जाल फेंक सकता हूँ, इस बार जरूर फंसेगा। अब लग रहा है मछली फंसा है, अरे कितना भारी है, मेरा नाव ना उलट जाए, कितना वजन है, ये तो एक पत्थर है, क्या है मेरे नसीब में पता नहीं, 5 बार में से 2 बार चला गया, एक छोटी सी मछली भी पकड़ नहीं पाया मैं, और एक बार फेंक के देखता हूँ। कितना वजन है, ये तो मिट्टी का घड़ा है, जरूर इसमें कुछ होगा, देखो जरा, देखो देखो ऊपर वाले ने जरूर कुछ दिया होगा। ये क्या, इसमें सिर्फ मिट्टी पत्थर है, इसका क्या करूंगा मैं, धत 3 बार जाल फेंका मैं, एक मछली भी नहीं फंसा, देखता हूँ फिर और एक बार फेंक के, इस बार कुछ होगा। हाँ
चार बार जाल फेंका में कुछ नहीं मिला मुझे। अंत में एक बार फेंक के देखता हूँ क्या मिलता है। इतना वजन क्यों है? जरूर पत्थर होगा, और क्या हो सकता है? क्या ये तो एक घड़ा है, देखता हूँ। हाँ? कौन हो तुम? मैं दानव हूँ। तुम दानव हो तो इसमें कैसे आए हो? मैं बादशाह सुलेमान का गुलाम था। एक दिन मैं अपने शक्ति की अहंकार में उनके बातों को टाल दिया था, इसलिए वो क्रोधित होके मुझे दंड स्वरूप इसमें बंद कर दिए। मैं अब तुम्हें खा जाऊंगा। मैं तुम्हें मुक्त किया हूँ ना, उसका ये सलाह दे रहे हो? बताओ तुम्हारा आखिरी ख्वाहिश, मैं पूरा करूंगा। हाँ, मेरा आखिरी ख्वाहिश? तुम्हें अब मजा चखाता हूँ। मेरा क्या आखिरी ख्वाहिश हो सकता है? लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं होता, तुम इतना बड़ा दानव होकर इसमें कैसे थे? कुछ समझ में नहीं आता। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? हाँ 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 हाँ, तुम सोच लो, यही मेरा आखिरी ख्वाहिश है। अच्छा, आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारा? देखो। क्या ये क्या कर दिया? ढक्कन खोल दो। ये क्या मुझे बाहर निकालो। ये क्या, मुझे बाहर निकल। जो किसी के उपकार का सम्मान नहीं करता उसे बंद रहना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ करो, मुझे छोड़ दो। बताओ तुम क्या चाहते हो? मुझे माफ कर दो। मैं 5 बार जाल फेंकता हूँ, जो मछली जाल में फंसता है उसी को बेचकर 2 वक्त का खाना खा पाते हैं, लेकिन आज एक भी नहीं पकड़ा आया। यही बात है, तो फिर सुनो दोस्त, 5 बार नहीं, तुम 1 बार जाल फेंकोगे तो तुम्हारा जाल मछलियों से भर जाएगा, तुम्हें कभी अभाव नहीं होगा। तुम जब मछली पकड़ने आओगे तब फंसेगा। अब मैं चलता हूँ दोस्त, जब मेरा जरूरत पड़े मुझे बुलाना, मैं आऊंगा। हाँ, महाराज यहाँ पे शाम मछली क्यों मांगा दानव से? बेताल, सम जानबूझकर दानव से मछली मंगा है, क्योंकि वो चाहता है अपना ईमानदारी का फल खाए, इसीलिए सम बहुत ईमानदार है। इसलिए अब मैं चला महाराज। हरा भरा एक जंगल था, उस जंगल में एक तालाब था। उस जलाशय के पास रहते थे एक सियार और एक सारस पक्षी। सवेरे सवेरे समय काटने के लिए जा रहा हूँ सारस भाई से मिलने को। अरे सियार भाई, कैसे हो? क्या खबर है? मेरा तो वही है, तुम्हारी क्या खबर है? दिन निकला नहीं और खाने के लिए निकल जाना पड़ा। आह, काश कोई मुँह के सामने खाना ला देता। अच्छा, ये बात है। अरे आज दिन में चलो मैं तुम्हें पार्टी कराता हूँ। लगता है आज इसके मजे लेने का दिन है। मजे लेते हैं। शाम हो गई, सारस पहुँच गया सियार के घर। सियार भाई, ओ सियार भाई, कहाँ हो? अरे
आओ आओ, तुमको निमंत्रण देकर मैं खुद नहीं रहूंगा क्या? और बताओ सारस, कैसा दिन जा रहा है तुम्हारा? खूब खराब भी नहीं, खूब अच्छा भी नहीं, बस चल रहा है किसी तरह। हाँ बढ़िया है। अच्छा तुम थोड़ी देर बैठो, मैं खाना निकाल कर आता हूँ, क्या कहती हो? सियार गया खाना निकालने। आओ आओ सारस भैया। खाने के पास सारस आकर देखता है एक पतले गोल थाली में पीला एक तरल पड़ा हुआ है। आओ सारस भैया, तुम्हारे लिए खाना तैयार है। अब आप हमारे अतिथि हैं, तो सबसे पहले आप ही शुरू कीजिए। मेरी लंबी चोंच से ये खाना खा नहीं सकता, फिर भी कोशिश करके देखता हूँ। प्रयास करके भी सारस कुछ नहीं खा पाया। इधर सियार जम कर खा रहा था। सारस भाई, अगर कुछ और चाहिए होगा तो बताना मुझे। और बोलो, खाने की तो व्यवस्था ही की नहीं, और पूछ रहे हैं और लोगे? सियार का खाना खत्म, सारस बस भूखा ही रह गया। ठीक से खाए हो ना सारस भाई? खाना बहुत अच्छा था, किंतु भैया कल मैंने मेरे घर पे दावत रखी है, मेरे भी घर पे आके खाना खाना होगा। अरे कल ही क्यों, बाद में भी तो हो सकता है ना? ना, मुझे कुछ नहीं सुनना, कल तुम्हें आना ही होगा। ठीक है, इतनी बार बोल रही हो तो चल आऊंगा मैं। तब मैं चलता हूँ भैया, गुड नाइट। दूसरे दिन बड़ी खुशी से सियार दावत के लिए सारस के घर पहुँचा। सारस भैया। अरे क्या सौभाग्य है मेरा, आओ भैया अंदर आओ। और बाकी सब ठीक ठाक है कि नहीं? हाँ भैया सब ठीक है। तुम्हारे घर का मौसम बहुत ही ठंडा है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हाँ इसीलिए तो खुले आसमान में पेड़ के नीचे दावत की अच्छे से व्यवस्था की है। बहुत अच्छे। आओ भैया आप बैठ जाओ। सियार ने देखा पेड़ के नीचे दो लंबी सुराई में खाना रखा था। लो भैया शुरू करो। शुरू करते हैं। हाँ इस शुभ काम में देरी क्यों? सियार खाने का प्रयास करने लगा, किंतु घड़े के अंदर तक उसका मुंह नहीं पहुंच पाया। खाने की खुशबू से सियार की भूख और बढ़ गई, किंतु वो कुछ नहीं खा पाया। पर सारस सुराई के अंदर अपनी लंबी चोंच से खाना खाता रहा। भैया और थोड़ा लो ना। पागल हो क्या, पेट भर गया मेरा। आज तो लगता है कि भूखे ही जाना पड़ेगा। खाना अच्छा था भैया? बहुत अच्छा था। तुम्हारा पेट भर गया ना भैया? एकदम भर गया। आपको खाना खिला के खुशी मिली, फिर आना होगा आपको। अरे आज की पार्टी तो इतनी मजेदार हो गई है, अगली बार का सोच के बताता हूँ। आप मेरे घर आने से मैं धन्य हो गया। ठीक है भैया। ओके देन बाय। गुड बाय। अरे गब्बू और गब्बू को बहुत दिन से मुसीबत में नहीं डाले। अरे उन दोनों को मुसीबत में डालने के लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया है। कौन सा आइडिया है? अरे अभी नहीं, सबके सामने। अभी एक सबसे जरूरी काम है, कल सुबह एक हम लोग चिट्ठी भेजेंगे। गब्बू तुम्हारा चिट्ठी आया है, ये लो। दीजिए दीजिए। लो लो। अरे बापू बापू, ये तो एक नक्शा है। नक्शा? कैसा नक्शा है गब्बू? शायद लगता है ये गुप्त धन का नक्शा है। ये टेढ़ा मेढ़ा क्या लिखा है देखना, दरबारी ठाकुर के बगान में जो आम का पेड़ है वहाँ से 10 कदम आगे जाने पे धन प्राप्त होगा। मेरा मन कह रहा है कि मेरा साथ कोई मजाक कर रहा है कि धन मिलेगा। मैं देखूंगा एक बार, क्योंकि स्वामी जी ने कहा था कि कान से सुना हुआ बात और आंख से देखा हुआ बात सच होता है, मैं वही देखूंगा। अरे तो फिर चल, अभी चल कर हम लोग देखते हैं। अने कैसा लगा खेल? बहुत अच्छा। Thank you.
अरे वाह, तो वही ठाकुर का बगीचे का पेड़ है जो नक्शा में था। एक दो तीन चार आठ नौ दस, अरे 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 अरे, ये क्या हो गया हमको, कहाँ फंस गए आकर यहाँ। बहुत बड़े टुमकुट में बोला था कि हम दोनों साथ कोई मजाक किया, तुम बात मेरा नहीं माना, कैसे करोगे, वही तो सोच रहा हूँ। टाबू। हाँ बोल। अरे वो जल्दी केकड़ा पकड़ तो। अच्छा अच्छा अच्छा, पकड़ रहे हैं। अरे वो दोनों आ रहा है इधर, चलो उससे मजा लेते हैं। हाँ चलो चल। अरे कैसा गुप्त धन मिला है जी? अरे यार कुछ नहीं मिला है यार, बस एक खाली मोहर मिला है। मोहर। अरे तुम दोनों हम लोगों को भेजा था उल्लू बनाने के लिए, लेकिन देखो हम लोग कितना फायदा में हैं। अरे मेरा तैयारी किया हुआ नक्शा पे जो गुप्त धन मिला है वो तुम्हारा नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा, ये तो मेरा है। अरे ये अच्छा नहीं हो रहा है, वो हारी वाला मोहर मेरा दे दो। अरे मैं तुम्हारा हानि दे दूंगा, पहले मोहर तो उझल लूं। ओए लड़का, तुझे रास्ते में चलने की कोई तमीज नहीं है क्या? चल मेरे साथ थाने, चल। मैं थाने में ही जा रहा था, जो गुप्त धन ये मिला है हानि में उसी को जमा करने के लिए थाने में ही। इस मटके में क्या है, दिखाओ दिखाओ मुझे दिखाओ। ये क्या, जो हानि में मोहर और साड़ी में केकड़ा। शैतान लड़के, मुझे केकड़ा से कटवाया। नहीं भागो, लड़का कहाँ भाग रहा है, रुक रुक, जल्दी भागो भागो। टब्बू जैसी करनी वैसी भरनी टब्बू।